पिछली वीडियो में मैंने आपको सुवास्तिका कंपनी की लिथियम एनर्जी स्टोरेज सेटअप पूरा दिखाया था। इस एक सेटअप के अंदर इन्वर्टर का पूरा सेटअप होता है, बैटरी हमारी लगी होती है, लिथियम बैटरी लगी होती है। तो ये एक ही चीज आपको लगानी है और इससे आपके घर के सारे अप्लायंसेस चल जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा प्रोडक्शन दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बनके रेडी होता है। यहाँ पर फिलहाल मैंने सारे जो रॉ मटेरियल्स इसमें लगते हैं, जो भी पार्ट्स इसमें लगते हैं, वो यहाँ पर मंगवा रखे हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये बॉडी का फ्रंट पार्ट है, जो सामने का हिस्सा आपको दिखता है, ये हमारी बॉडी है जिसके अंदर ये पूरा सेटअप लगेगा। उसके बाद ये डिस्प्ले है, जो यहाँ पर LED इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं, तो उसके बैक साइड में ये पूरा सेटअप लगता है। ये हमारा USB पोर्ट है, जिसके पीछे हमारा USB डोंगल लगता है, ब्लूटूथ डोंगल लगता है, जिससे आप इस पूरी यूनिट को अपने फोन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। ये हमारा पावर बटन हो गया, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये लगा हुआ है। ये सॉकेट हो गया, जो बॉडी के बैक साइड में लगेगा। ये हमारा रीसेट बटन हो गया। इसके अलावा ये हमारी MCB है, ये ट्रांसफॉर्मर है जो इसमें लगेगा। एक फैन का इसमें यूज हुआ है, जिससे कि इसकी हीट जो अंदर की है वो बाहर निकलती रहेगी। ये हमारा एक पूरा PCB सेटअप है, जिसमें ऑलरेडी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, पूरी प्रोग्राम्ड PCB है ये। किस हिसाब से ये पूरी यूनिट काम करेगी, उसकी सारी प्रोग्रामिंग इसमें ऑलरेडी करी हुई है, सारे कंपोनेंट्स उसी हिसाब से लगा के इसको रेडी करके रखा गया है। इसके अलावा ये पावर केबल आप देख सकते हैं, ये इसमें लगेगी। एक कैपेसिटर का यूज इसमें होगा और ये कुछ वायर्स हैं, ये इसमें लगेंगे। तो ये सारे वो पार्ट्स हैं, और एक हमारी रह गई ये लिथियम बैटरी, जो कि इसका सबसे मेन कंपोनेंट है। ये लिथियम बैटरी छोटी सी बैटरी है, ये इस यूनिट में लगेगी। तो ये हमारे सारे पार्ट्स हैं जिनका यूज इसके अंदर होगा, और उसके बाद हमारी ये पूरी यूनिट रेडी होगी। पार्ट्स आपने देख लिए, अब चलिए चलते हैं प्रोडक्शन बेल्ट पर और आपको ये सारे पार्ट्स एक बार दिखाता हूँ किस तरीके से ये लगते हैं। तो ये अभी जो हम खड़े हैं, ये पहली स्टेज है जहाँ पर बॉडी हमारे पास रखी हुई है। बॉडी में जो सॉकेट है, ये पहले से फिट होके आता है। इसके बाद जो सबसे पहली चीज हमें करनी है, वो हमें लगाना है फैन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फैन लगा रहे हैं पूरा, और उसको अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है फैन को। फैन लगाने के बाद जो दूसरी चीज लगेगी, वो लगेगी पावर केबल, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो पावर केबल लग चुकी है। इसके बाद हमारा ये आ जाता है रीसेट बटन। इसके बाद नेक्स्ट इसमें लगता है USB पोर्ट, जिसमें हमारा ब्लूटूथ डोंगल कनेक्ट होगा। जब एक बार ये सारी चीजें, जो बेसिक पार्ट्स हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद सोल्डरिंग इसमें करनी होती है। वायर्स इसमें लगेंगे, ये वाले जो वायर्स अभी मैंने आपको दिखाए थे, ये इसमें लगेंगे, और फिर ये वायर्स PCB के साथ कनेक्ट होंगे। तो पहले इन वायर्स को सोल्ड किया जाता है। तो अब ये सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं लग चुके हैं। इसमें फैन लग चुका है, ये हमारा USB पोर्ट है वो लग चुका है, नीचे हमारा ये बटन लग चुका है, पावर केबल लग चुकी है, ये वायर्स लग चुके हैं, और जो हमारा ये सॉकेट है, सॉकेट के साथ इनको सबको सोल्डर कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सोल्डर कर दिया गया है। तो अब ये जो बेसिक फर्स्ट स्टेज थी, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार जब ये बॉडी, इसमें जो बेसिक पार्ट्स हैं, वो सारे लग के रेडी हो चुके हैं, अब इसके बाद इसमें लगेगा ट्रांसफार्मर, और उसी के साथ इसमें जो इसका फ्रंट है वो भी लग जाएगा। तो ट्रांसफार्मर आपको लगा के दिखाते हैं अभी। तो ये ट्रांसफार्मर लग चुका है, इसके बाद इसका फ्रंट लगेगा अभी। तो ये फ्रंट इसका पूरा रेडी है। इसमें पावर बटन और जो डिस्प्ले वाला पार्ट है, वो पहले से ही लगा रखा था, और इसको अब मेन बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरा एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जिसमें बैटरी भी लगती है, लिथियम बैटरी। तो लिथियम बैटरी के लिए एक स्ट्रिप लगा रहे हैं, जिससे बैटरी को बॉडी के साथ फिक्स कर देंगे। तो ये स्ट्रिप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये वो बॉडी है जो हमारी रेडी हो चुकी है, जो मैंने आपको बताई थी। इसमें अभी फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आप, पावर केबल लगी हुई है, फैन यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर रीस्टार्ट बटन लगा हुआ है, USB पोर्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है। अंदर इसके देखेंगे तो इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वायरिंग इसके साथ सोल्ड कर दी गई है, और दो स्ट्रिप्स लगी हैं लिथियम बैटरी को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, और सामने जो इसका फ्रंट है ये लग चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर अभी हमने इसमें लगाया था, उसका कनेक्शन किया जा रहा है। जो वायर्स हमने पहले सोल्डर करे थे, तो उन वायर्स को कनेक्ट किया जा रहा है ट्रांसफार्मर के साथ, और साथ में ये कैपेसिटर लगाया जा रहा है ट्रांसफार्मर के साथ। तो ट्रांसफार्मर एक बार जब रेडी हो जाता है, उसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रिप यहाँ पर लगी हुई है, बैटरी हमें यहाँ पर प्लेस करनी है। तो ये छोटी सी लिथियम बैटरी है जो इसमें लगेगी। अब ये बैटरी लगाने का नेक्स्ट स्टेप है। तो बैटरी की प्लेसमेंट एक बार पहले सही से एडजस्ट करके, उसके बाद जो स्ट्रिप्स हैं उनको बैटरी के साथ अच्छे से, बैटरी के ऊपर अच्छे से कवर कर दिया जाता है।
तो जो हमारी लिथियम बैटरी थी वो अच्छे से प्लेस हो गई है, और जो स्ट्रिप्स मैंने आपको बताए थे उनको अच्छे से कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे कि वो बैटरी अपनी जगह से ना हिले। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एमसीबी कनेक्ट करने का। तो एमसीबी को लिथियम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, अब इसको इसकी जो जगह है वहां पर प्लेस किया जाएगा। तो अभी फिलहाल ये जो आप बॉडी देख रहे हैं ये लगभग हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें जो जो पार्ट्स मैंने आपको दिखाए थे, ट्रांसफार्मर लग चुका है, लिथियम बैटरी हमारी लग चुकी है, बाकी जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, फैन, यूएसबी पोर्ट, एमसीबी, लगभग सब कुछ लग चुका है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है पीसीबी, वो अभी बाकी है। तो ये पीसीबी आप देख सकते हैं, ये पूरी प्रोग्राम्ड पीसीबी है, सिस्टम के हिसाब से बनाई गई है। जो जो पार्ट्स इसमें लगे हैं, किस हिसाब से वर्क करना है, क्या क्या चीजें कैसे काम करेंगी, वो सारी इसमें पहले से प्री प्रोग्राम्ड है। अब इसको कनेक्ट किया जाएगा बॉडी में और सारे पार्ट्स को इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो ये हमारी जो फाइनल बॉडी है फिलहाल, ये अभी बन के रेडी है, सारे पार्ट्स इसमें लग चुके हैं। एक बार मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूँ, कहाँ कहाँ पर किसका कनेक्शन कैसे है। तो सबसे पहले फैन की बात करते हैं। फैन के दो वायर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर कनेक्टेड है पीसीबी के साथ, सेंसिंग वायर। उसके बाद इसी तरीके से कुछ वायर्स ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं और वो फैन के वायर से बगल में जो एरिया है वहां पर कनेक्टेड है। इसके अलावा जो हमारी लिथियम बैटरी है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव, वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल भी पीसीबी के साथ कनेक्टेड है। एक हीट सिंक के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है और नेगेटिव वाला नीचे की तरफ कनेक्टेड है पीसीबी के साथ। फिर हमारे ट्रांसफार्मर के दो प्राइमरी वायर हैं, वो भी यहाँ पर हीट सिंक के साथ कनेक्टेड है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो ये हमारा ऑन ऑफ बटन है और जो फ्रंट से हमारी डिस्प्ले है उसका कनेक्शन पीसीबी के साथ यहाँ पर किया गया है। जो हमारा यूएसबी डोंगल का कनेक्शन है और जो हमारा रीसेट बटन का कनेक्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर किया गया है। एक यहाँ पर लिथियम बैटरी के साथ आप देखेंगे एक ब्लैक कलर का वायर है, ये एटीसी है। एटीसी मतलब होता है ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल। तो ये क्या काम करता है, जो आपकी बैटरी है उसके अराउंड जो एम्बियंट टेम्परेचर है उसको मॉनिटर करता है, जिससे बैटरी को ठीक से चार्ज किया जा सके। एक यहाँ पर आपको ये व्हाइट कलर का एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा दिख रहा होगा, तो इसको इस हिसाब से सेट किया गया फैन के साथ, ताकि जो हमारी पीसीबी की जो हीटिंग है, हीट सिंक की जो हीटिंग है, वो प्रॉपरली चैनलाइज्ड होकर फैन के द्वारा एकदम बाहर निकल जाए, अंदर इसमें हीटिंग ना रहे बिल्कुल भी। इसके अलावा दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ पर किया गया है। एक बार जब हमारा ये मॉडल रेडी हो जाता है तो इसको पैक करने से पहले टेस्ट किया जाता है कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन है, इसमें मॉडल और उसके क्या क्या पैरामीटर्स टेस्ट करने हैं वो ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड रहते हैं। आपको बस इस मॉडल को कनेक्ट करना है इस मशीन के साथ, वहां पर अपना मॉडल सेलेक्ट करना है और टेस्ट शुरू करना है। इसमें एक एक करके सारी चीजें टेस्ट होती हैं, वोल्टेज टेस्ट होती है, करंट टेस्ट होता है, टीएसडी टेस्ट होती है, एफिशिएंसी, फुल लोड डीसी करंट, इसके अलावा प्रोटेक्शन में ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और वोल्टेज कट का टेस्ट होता है। जब एक एक करके ये सारे टेस्ट रन करते रहते हैं तो सारे बार्स धीरे धीरे ग्रीन होते रहेंगे और फाइनली आपके पास रिजल्ट का आउटपुट आ जाएगा कि ये सिस्टम पास है या फेल। अगर एक भी टेस्ट फेल होता है तो उसको नोट डाउन किया जाता है, मॉडल को वापस भेजा जाता है, सारे कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है, दोबारा से लगाया जाता है, उसके बाद फिर इस मशीन पे लाया जाता है रीटेस्टिंग के लिए। अगर टेस्ट पास हो जाता है तो उसका सारा डेटा सर्वर पे सेव रहता है और यहाँ पर हमें एक बारकोड मिल जाता है, ये बारकोड स्टिकर इस सिस्टम पे लगाना होता है, उसके बाद सिस्टम अब रेडी है पैक होने के लिए। तो ये जो यूनिट है ये हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर की बॉडी जब एक बार इसकी टेस्टिंग हो जाती है तो इसकी बॉडी ऊपर कनेक्ट हो जाती है, यहाँ पर एक सील लग जाती है जिससे ये बॉडी पता चल जाता है कि पूरी पैक हो चुकी है। इसका QR कोड जनरेट हो जाता है, ये QR कोड से हमें पता चल जाएगा कि ये सिस्टम जब बना था, रेडी हुआ था, तो क्या क्या टेस्टिंग के टाइम इसकी रिपोर्ट रही थी, क्या क्या सारा डेटा रहा था, वो पता चल जाता है। इस QR कोड का एक स्टिकर यहाँ पर लग जाता है और एक स्टिकर मैनुअल में लग जाता है और दो स्टिकर इसके बच जाते हैं, वो बॉक्स पे लग जाएंगे बाहर की साइड। और बाकी ये जो बॉडी है, ये जो यूनिट है, अब ये रेडी है आपके पास शिप होने तक, तो इसको पैक किया जाएगा। तो इसकी जो यूजर मैनुअल है वो बॉक्स में इसके साथ डाल दी है, उसके बाद पूरी प्रोटेक्शन के साथ इसको उसके बॉक्स के अंदर रख दिया जाएगा। ये फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे ये यूनिट बन के रेडी होती है, हमने कोशिश करी है कि सारे कंपोनेंट्स एक ही जगह लाकर आप लोगों को अच्छे से दिखाएं असेंबल करके, वरना इसकी एक प्रॉपर पूरी प्रोडक्शन बेल्ट है जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरी जो यूनिट है वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर मूव करती है और सारे कंपोनेंट्स वहीं लगते हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए सारी चीज हमने कोशिश करी है एक ही जगह लाकर और आप लोगों को पूरा प्रोसेस करके दिखाया है। और ये पूरी यूनिट हमारी अब रेडी हो चुकी है, इसको पैक करेंगे, दो QR कोड बच गए हैं वो बॉक्स के ऊपर लगाएंगे
और इसको आप लोगों के पास शिफ्ट कर दूंगी। तो ये थी एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की, जो मैंने अभी आपको दिखाई। एक छोटी सी यूनिट के अंदर लिथियम बैटरी भी लग जाती है, उसी के अंदर आपका इन्वर्टर होता है, उसी के अंदर आपका पूरा सेटअप होता है और आप अपने पूरे घर का लोड चला सकते हो। लिथियम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और इसके काफी सारे एडवांटेजेस हैं लेड एसिड बैटरी के ऊपर, तो इसलिए ज्यादातर लोग आजकल लिथियम बैटरी पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको दो वीडियो बनाकर दिखाई हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाए थे, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, किस प्राइस रेंज में ये मिलते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इस वीडियो में हमने इसकी पूरी प्रोडक्शन दिखाई है कि कैसे ये यूनिट बनकर रेडी होती है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखना पसंद है और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।